गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कविता मैम आपकी मैथ्स टीचर। बच्चों, आज मैथ में ब्याज में मैं ब्याज चैप्टर समझाने जा रही हूँ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मूलधन किसे कहते हैं, ब्याज किसे कहते हैं, मिश्रधन किसे कहते हैं और ब्याज मिश्रधन मूलधन दर समय निकालने के लिए किस फार्मूले का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं मूलधन। जितने धनराशि हम उधार देते हैं या किसी से लेते हैं तो उसे मूलधन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे 500 रुपये लिया तो ये 500 रुपये मेरा मूलधन है। अब जो मूलधन मेरे पास है उसकी राशि के अतिरिक्त यदि हम धनराशि और लेते हैं या देते हैं तो उसे हम ब्याज कहते हैं। जैसे मेरे पास आपने 500 रुपये दिया मुझे उधार और मैंने वापस करते समय आपको 600 या 650 रुपया दिया वापस, तो ये जितना भी अतिरिक्त राशि हुई वो ब्याज कहलाती है। यदि मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो धन और ब्याज को जोड़कर जो धन दिया जाता है तो वो कुल धन राशि को मिश्रधन कहते हैं। यदि मूलधन में हम ब्याज को भी जोड़ देते हैं तो वो मिश्रधन कहलाता है। बच्चों, ब्याज ज्ञात करने के लिए हम सवाल को हल करने के लिए सूत्र लिखते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इस फार्मूले के द्वारा हम ब्याज को ज्ञात कर लेते हैं। यदि मिश्रधन ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं। जब मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। जैसे 500 रुपये आपसे मैंने लिया और ब्याज उसका 120 रुपये है, तो 500 में 120 जोड़ लेंगे तो 620, ये मिश्रधन कहलाएगा। मूलधन ज्ञात करने के लिए मूलधन बराबर ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय, इस सूत्र की सहायता से हम मूलधन ज्ञात कर लेंगे। दर ज्ञात करने के लिए सूत्र है दर बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय, और समय ज्ञात करने के लिए समय बराबर ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित मूलधन। और मूलधन निकालने के लिए यदि सवाल में मिश्रधन दिया है और ब्याज भी दिया है और मूलधन निकालना है तो हम निकालेंगे मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन में से ब्याज को हटा देंगे तो मूलधन हमारा आ जाएगा। ब्याज बराबर यदि सवाल में मिश्रधन दिया है और मूलधन भी दिया है और हमें ब्याज निकालना है तो हम निकालेंगे ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। इस तरह हम इन सब फार्मूलों से सवाल को और इस ब्याज के चैप्टर को पूर्ण कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इन सारे फार्मूलों को बच्चों आपको याद करना है। थैंक यू।